अभी हम उत्तर बिहार के सबसे बड़े कोचिंग संस्थान माँ सरस्वती साइंस कोचिंग सेंटर परसौनिया पूर्वी चंपारण में मौजूद है। जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ साइकिल की स्थिति देखकर आप समझ सकते हो कि यहाँ बच्चे की स्थिति क्या होती होगी। यहाँ सैकड़ों साइकिल लगी हुई है, तो बच्चे भी समझ सकते हो कि बच्चे की संख्या कितनी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको आज जिस बताने के उद्देश्य से हम आए हैं, यही माँ सरस्वती एंड साइंस कोचिंग सेंटर का एक छात्र पूरे बिहार में मैट्रिक की परीक्षा में टॉप 10 स्थान लाया है और ऑल ओवर पूरे बिहार में 10वां स्थान लाकर पूरे मेहसी प्रखंड का नाम, पूरे पूर्वी चंपारण का नाम पूरे बिहार में लहराया है। और चलते हैं हम आपको माँ सरस्वती एंड साइंस कोचिंग सेंटर की अंदर की तस्वीर हम दिखाएंगे। हमारे सहयोगी आएंगे, दिखाएंगे आपको कि देखिए कितनी सारी साइकिल है। और यहीं पे बोर्ड लगा हुआ है जो परसौनिया गांव में पड़ता है मेहसी प्रखंड के, और यहाँ के जो बच्चे होते हैं पढ़ लिख कर अधिकारी आईएएस आईपीएस या जो डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनने का सपना आप अगर अपने बच्चों का देखते होंगे तो वे सभी आप यहाँ आकर अपने बच्चों का साकार कर सकते हैं। देख सकते हैं क्लास के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों की निगरानी को लेकर यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और तीसरी आंख की निगरानी में यहाँ बच्चों को शिक्षा दिलाई जाती है। जैसा कि देख सकते हैं बच्चों का काफी संख्या में यहाँ पे भीड़ है और सभी बच्चे अपने अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं। वहाँ सर भी हैं, सर भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं और सर से भी हम दो शब्द जानने का प्रयास करेंगे कि इतनी सारे बच्चों के होते हुए भी काफी व्यवस्थित ढंग से बच्चों की पठन पाठन होती है। और सबसे बड़ी बात हम आपको पहले ही बताए कि यही के एक छात्र ने ऑल ओवर पूरे बिहार में मैट्रिक की परीक्षा में 10वां स्थान पाया है। चलते हैं दो शब्द सर से जानेंगे और जैसा कि सहयोगी हमारे आएंगे आगे से दिखाएंगे फुटेज में भी यहाँ पे जो भी सारे कार्यक्रम है, अंदर की तस्वीर हो, नीचे साइकिल लगा हुआ है, पार्किंग के सभी तस्वीर यहाँ आपको सीसीटीवी कैमरे में सर के नेतृत्व में यहाँ देखते रहते हैं कि किस तरह बच्चों का क्या कार्यक्रम है, बच्चे क्या कर रहे हैं, नीचे क्या कर रहे हैं, क्लासरूम में क्या कर रहे हैं और सभी लोगों के गतिविधि पर यहाँ पर निगरानी रखते हैं। सर है, सर से भी हम जानेंगे, दो शब्द जानने का प्रयास करेंगे जो इतने सारे बच्चे हुए भी कैसे व्यवस्थित ढंग से बच्चों को पढ़ा लेते हैं। सबसे पहली बात सर, यहाँ के जो प्रोपराइटर हैं जो ट्यूशन चलाते हैं, बच्चों को पहले अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं क्योंकि पढ़ाई से पहले अनुशासन बहुत प्रिय होता है। जब तक अनुशासन का पाठ बच्चे नहीं पढ़ेंगे तब तक पढ़ाई सही तरीके से वो नहीं कर सकते। इसीलिए हम हैं, मैं भी एक संस्कृत का टीचर हूँ, मैं बच्चे को पहले अनुशासन का पाठ सिखाता हूँ, क्या कर्तव्य है और क्या जीवन में करना चाहिए, नहीं आप यहाँ क्यों आए हैं और आपका कर्तव्य क्या है, ये पहले मैं बच्चों को बताता हूँ। इस पर आप विचार कर लीजिएगा तब आप जो है सो अच्छा से पढ़िएगा और जीवन में सफल होइएगा। इसलिए ये बच्चे जो दिख रहे हैं सब पहले अनुशासित जो दिख रहे हैं, ये सब इनके मतलब अच्छी तरह से बताने का ही परिणाम है। आज तो सर आप लोगों के लिए काफी खुशी का पल है क्योंकि आपके एक छात्र ऑल ओवर पूरे बिहार में 10वां स्थान लाए हैं, क्या कहिएगा? ये तो जितने सारे ये शिक्षक हैं सबका योगदान है उसमें, क्योंकि सभी विषयों की पढ़ाई होती है और सभी विषयों में उसका नंबर अच्छा आया है। और सबसे पहली बात, यहाँ पे जो हरिशंकर जी हैं, माननीय हरिशंकर सर, वो दिन रात बच्चों को पढ़ाने में लगे रहते हैं, अच्छी शिक्षा देने में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि ट्यूशन खत्म हो जाने के बाद भी बच्चों के एक्स्ट्रा क्लास, जैसे मान लेते हैं कोई कमजोर बच्चा है, वीकनेस पॉइंट है, उस वीकनेस पॉइंट को दूर करने के लिए स्पेशल क्लास करवाते हैं और पढ़ा करके सारी जो त्रुटियाँ हैं, जो डिफॉल्ट है उसको दूर करते हैं, जिस कारण बच्चे जो है सो वहाँ तक पहुँचते हैं या मैट्रिक में हो, इंटर में हो, अधिकतर बच्चे फर्स्ट करते हैं और उनका सपना एक दिन अवश्य पूरा होगा। और इनके द्वारा और शिक्षकों के द्वारा करी करी तोड़ मेहनत की जा रही है और एक न एक दिन सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे बच्चे। देख सकते हैं जैसा कि संस्थान के द्वारा माँ सरस्वती एंड साइंस कोचिंग के द्वारा आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। जो भी बच्चे 10वीं या 12वीं में पास किए हैं उन सभी का सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा और उन लोगों के हम एक एक तस्वीरों से आपको रूबरू कराएंगे। मैट्रिक 2024 की परीक्षा में सुशील 479 अंक, ऋतिक 449 अंक, विकास 446, काली 444, नितेश 407, ऋतिक 414, कुंदन 407, शिवम 394, सौरभ 393, प्रतिभा 387, अरविंद 386, करण 383, मनीष 381, सन्नी 377, राहुल 376, रवि रंजन 373, ज्योति 366, कैलाश 365, जितेंद्र 362, रवि भूषण 370, मनीषा 354, प्रीति 352, रोशन 351, कृष्णा सनेहा 348, आशीष 341, सुशांत 336, माला 335, खुशी 334, अजीत 344,
मंजीत 331, ऋचा 331, अंजलि 323, संदीप 322, रुपेश 318, सोनम 310, नेहा 310, सरिता 309, सचिन 308, शिल्पी 308, संजन 308, गुड़िया 307, सुहानी 310, मुस्कान 304, प्रियांशु 303, संध्या 302, निशा 300, पुष्पांजलि 300, गुड्डू 300, गौतम 300, गुड्डू 300, अमिता 300, संगीता 328। वही इंटर 2024 साइंस विषय में नरंजन 397, विपाशा 363, रत्नेश 355, धीरज 354, मुस्कान 353, रजनीश 344, अरुण 337, पुष्पांजलि 335, गोलू 332, पप्पू 327, रूपा 324, रोहित 327, रौशन 316, दीवांशु 310, प्रभात 307, दिलखुश 304, शोभा 304, गुड्डू 300, अमन 300, सनी 300, आदित्य 320। वही आर्ट्स विषय से प्रियंका 338, पुष्पा 331, रूबी 316, अंचला 316, सोनम 300 अंक प्राप्त हुई। इसके लिए बहुत खुशी है और इंतजार रहती है साल भर का, ठीक है, कि बच्चे जब पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छा मार्क्स आए, और जब रिजल्ट आता है उस समय भी उत्साह रहती है। और इस बार टॉप 10 में एक लड़का गया है जिसका नाम सुशील कुमार है, 479 नंबर आया है, और इसके अलावा भी 7-8 बच्चे प्लस 400 प्लस नंबर आए हैं। और हर साल के भांति इस साल भी सबसे अच्छा नंबर आया है, और हर साल आता ही है। विगत 2014 से क्लास चल रही है और प्रत्येक वर्ष अच्छा रिजल्ट आता है, लगभग 150 स्टूडेंट में 100 प्लस फर्स्ट डिवीजन आते हैं। बेहद खुशी है जो मेरा स्टूडेंट बिहार टॉप 10 में गया है। बट बच्चे से मैं यही कहना है कि जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, चाहे जो सम्मान समारोह में जो शामिल हुए थे, सभी से यही प्रेरणा है कि सभी अपने पढ़ाई को लगन से करें और इसी तरह से मेहनत से करें ताकि वो भी अच्छा नंबर लाए और टॉप 10 में शामिल हो। पर्चे मेरा नाम हरिशंकर कुमार हुआ, माँ सरस्वती साइंस कोचिंग सेंटर का ऑनर हूँ, और विगत 2014 से मैं कोचिंग क्लास अपने ग्रामहीन निवास स्थान परसोनिया में चला रहा हूँ। आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, निश्चित रूप से एक सुदूर देहाती क्षेत्र में जिस तरह शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने माँ सरस्वती साइंस कोचिंग सेंटर के द्वारा जो एक क्रांति लाई गई है, इसके जो डायरेक्टर हैं हरिशंकर जी, इनके द्वारा जो छात्र छात्राओं जो मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, खासकर बिहार के 1-10 रैंक में जो इस गांव के इलाके से बच्चे आए हैं, उनके नंबर को देख के हम भी काफ़ी प्रशंसित हैं। और इस संस्थान के डायरेक्टर ने जो भी इस संस्था के बच्चों को जो शिक्षा का ज्ञान देने की कोशिश किया और सम्मानित करने का, निश्चित रूप से अन्य बच्चों में भी इससे प्रतिभा और निखरेगी, और एक लोग इसको चुनौती के रूप में भी लेंगे कि हम मुझको आगे भविष्य में और अच्छा करना है। ये गर्व की बात है कि जो है कि बिहार में 1-10 रैंक में इस संस्थान का आया और दर्जनों छात्र जो है कि अच्छे रैंक से पास किए हैं। इसलिए मैं संस्थान को, माँ सरस्वती साइंस कोचिंग सेंटर को बधाई देता हूँ और संस्थान के डायरेक्टर हरिशंकर जी को भी आभार प्रकट करता हूँ कि इसी पंकज के सुर पर। सबसे पहले तो आपके, मैं मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित थे सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि सब आए हैं, और आपका भी आभार व्यक्त करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे पंचायत की जो कोचिंग संस्था है माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर, जिसका संस्थापक हमारे छोटे भाई हरिशंकर जी हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इनके अथक प्रयास से हर साल ही बेहतर रिजल्ट आता था, लेकिन इस बार कुछ ऐसा रिजल्ट आया जो अविश्वसनीय है, क्योंकि बिहार में एक ग्रामीण प्रवेश से बिहार में स्टूडेंट करना एक बहुत बड़ा ये मुद्दा है, और इसके लिए मैं तहे दिल से हरिशंकर जी को धन्यवाद देता हूँ। और वो स्टूडेंट जिन्होंने बिहार टॉप किया उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और खासकर उनके पिताजी को भी जिन्हें भरोसा था उन पर, और मेरे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में गार्जियन लोग हैं मैं उनसे चाहूँगा कि अपने बच्चे को इस कोचिंग सेंटर में भेजे, और एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलता है तो अपने बच्चे को भेजे। परिचय बताएं। मेरा परिचय हुआ, मैं इस प्रशासन का प्रतिनिधि ललन कुमार हुआ, और हर साल मैं इस सम्मान समारोह में आता हूँ, और मेरे तरफ से हमेशा बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि उनका मोटिवेट मैं करता हूँ कि वो अच्छा रिजल्ट दे, क्योंकि वही लोग हैं जो हमारे देश का भविष्य है, तो मैं अपना एक अथक प्रयास करता हूँ।